आगरा की एकमात्र विधानसभा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान द्वारा जनता को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। विधायक द्वारा एकमात्र में एक मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। यह शिलान्यास आगरा एसपी सिंह बघेल द्वारा किया गया है, जिसमें एकमात्र विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, एमएलसी आगरा फिरोजाबाद विजय सिवहरे, आगरा जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, प्रतिनिधि डॉक्टर राजेंद्र सिंह के साथ साथ उपजिलाधिकारी एकमात्र अभय सिंह, तहसीलदार ब्रह्मानंद कठेरिया एवं भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात है कि आज यहां पर जिला पंचायत के इस प्रांगण में क्रीड़ा स्थल पर एक मिनी स्टेडियम की रूपरेखा डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी हम लोगों ने बनाई है। धर्मपाल सिंह जी ने 25 लाख के आसपास यहां पर बाउंड्री के लिए पैसा भी निर्गत कर दिया, सामान भी आ गया। मैं सांसद निधि से भी बैठ के जो हो जाए जो काम करना होगा हम भी करेंगे। और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी यहाँ आए हैं और उन्होंने अनुमति भी इसकी दी है और साथ में जिला पंचायत से भी होगा। विजय शिवरे जी एमएलसी साहब भी आए हैं, तो सब लोग मिलकर के इसका विकास करेंगे मिनी स्टेडियम, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। ये खिलाड़ी हैं जो एक बाल्टी में डले हुए पानी में बिना जात पात देखे हुए पानी पी लेते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है और इसी स्टेडियम में खेल करके नर्सरी, एक दिन कोई बच्चा जब कॉमनवेल्थ ओलंपिक या विश्व कप या एशियन गेम जीतेगा तो कहेगा कि एकमात्र के मिनी स्टेडियम में प्रैक्टिस करके मैं यहाँ तक आया। पुर नगर को डॉक्टर धर्मपाल सिंह के अथक प्रयास से युवाओं के जो खेल की दुनिया में जाना चाहते हैं उनको एक नए पंख मिल गए हैं। वो अपनी ताकत अनुसार कहाँ कहाँ जाएंगे, आज क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ मिनी स्टेडियम बन रहा है, यहाँ पर बहुत से हस्तियाँ खड़ी हुई हैं, शिव हरे जी खड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह और कई अन्य अधिकारी खड़े हैं। सर से बात करते हैं, सर आज यहाँ पर क्या हुआ? ये हम सबका प्रयास है, आदरणीय विजय सवरे जी का, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह का, आदरणीय हमारे मंत्री जी अभी बघेल साहब गए, हम सब लोग मिलकर यहाँ एक अच्छा मिनी स्टेडियम बनाना चाहते हैं और उसकी आज शुरुआत हो गई है। विधायक निधि से दीवार बननी शुरू हो गई है। अभी हमें एक स्कूल को यहाँ से शिफ्ट करना है, एक स्कूल की जगह हमें जिम बनाना है, तो हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने तो हम लोगों को बहुत पहले ही, जब हम चुनाव जीते मैं उनके पास गया तो उन्होंने वादा किया था कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आज भी आपके सामने कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो शिवरे जी से भी अनुरोध करेंगे और माननीय बघेल साहब आपके सामने कह के गए हैं, तो हमारा ये सब लोगों का सामूहिक प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो हमारे विधायक हैं, माननीय मंत्री जी हैं, सब लोग मिलकर यहाँ हम अच्छा स्टेडियम बनाना चाहते हैं। और वो पार्क का भी काम करेगा, सवेरे वो हम उसमें अच्छी स्ट्रीट लाइट बनाएंगे, वॉकिंग स्ट्रीट बनाएंगे, तो वो सवेरे दिन भर पार्क का भी काम करेगा सुबह शाम, और दिन में खेल के स्टेडियम का भी काम करेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। सर जब चुनाव के दौरान हमने क्षेत्र में दौरा किया था, जो युवा लड़के थे उनकी खास मांग थी स्टेडियम की, तो यहाँ पर लगभग कितनी लागत से ये बना? ये अभी लागत तो काफ़ी लगेगी, कम है उम्मीद है 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन अभी हम फेस वाइज चल रहे हैं क्योंकि हमें स्कूल भी शिफ्ट करना है, एक पुरानी बिल्डिंग को डेमोलिश करना है, उसकी परमिशन आ गई है, तो थोड़ा समय लगेगा। हम धीरे धीरे इसे 1 या 1.5 साल के भीतर से बहुत अच्छा मिनी स्टेडियम बना देंगे। डॉक्टर साहब अभी आपने कहा था कि विधायक जी ने एक भागीरथ का काम किया है, जो गंगा जल को लाने का प्रयास किया है, सर ये क्या होता है? पानी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, भगवान ने जो चीज़ें दी है ना, नंबर एक तो वायु दी है वो आपके लिए चाहिए, एक पानी दी है, और पर ये किसान खड़े हैं ना, ये सारे को पेट भरते हैं, तीनों चीज़ों की जरूरत होती है बस, तो दो चीज़ भगवान ने दी है, ये तीसरा और जरा साफ पानी का इंतजाम जो विधायक जी कर रहे हैं, जैसे गंगा को लाए थे ना वहाँ तक लाए, अब वो तो वहाँ पर सीधी चली गई, अब विधायक जी इसको इधर की साइड में ले आइए, तो इसलिए मैंने कहा ये मिनी स्टेडियम बनना और मिनी भागीरथ भी है ये हमारे। सब ये जिला पंचायत में आपके जैसे संरक्षक हैं डॉक्टर मंजू भदौरिया, आपके पुत्र वधू जो कि यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है इतना बड़ा काम जो कि युवाओं की बहुत बड़ी ये खुशी की वो है? हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे बड़ी ज़रूरत है। 40 साल के बाद में तो 30 मिनट सबको चलना चाहिए, मैं हर किसी से कहता हूँ, और लोग कहाँ घूमे कहाँ नहीं घूमे आप जानते हैं। हालांकि अब जब से योगी जी आए हैं तब से जितने भी गलत काम होते तो सब गलत। की सबसे पहले डॉक्टर धर्मपाल जी को बधाई है कि आगरा की धरती पे भागीरथी में योगेंद्र उपाध्याय को जाना जाता था, लेकिन इस आगरा की धरती के अंदर एकमात्र भी आता है, तो दूसरे भागीरथी के रूप में 550 करोड़ रुपए की योजना लेके आए हैं धर्मपाल जी, उनको बधाई इस बात के लिए कि एकमात्र जनपद के लोगों को पूरा पानी मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके, इन्होंने ये काम किया। निश्चित तो 550 करोड़ की योजना बहुत बड़ी योजना है, नंबर एक। नंबर दो, इस एकमात्र के अंदर एक मिनी स्टेडियम बने, यहाँ के प्रतिभाशाली जो अपने खिलाड़ी हैं इस स्टेडियम में खेलने के माध्यम से इस तहसील का नहीं, इस जनपद के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम करें। डॉक्टर धर्मपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इस बात के लिए
मिनी स्टेडियम बनवाने के लिए। और सही कहा अभी बताया था सेवारे जी ने, अभी यहाँ पर एसडीएम साहब भी खड़े हैं आज, उनके उसमें सर क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे आप यहाँ पर? आज जो भी मिनी स्टेडियम का यहाँ पर विधायक जी, माननीय विधायक जी, आदरणीय सांसद जी और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी और माननीय शिवहरे जी के योगदान से ये जो बनने जा रहा है, तो ये एतमादपुर की जनता के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। और ये तहसील के पास हमारे ये जो स्टेडियम बनने जा रहा है, इससे सभी यहाँ के सभी लोगों को बहुत ही सुविधा होगी और यहाँ पर जो भी अवैध गतिविधि होती थी उस पर विराम लगेगा। और इसके लिए मैं विधायक जी का और माननीय राजेंद्र सिंह जी का, शिवहरे जी का और यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर साबित होगा, यहाँ के बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हमारी तहसील की इससे एक प्रतिभा निकलेंगी तहसील के क्षेत्र की, उनको अवसर मिलेगा। मेरी सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो एक अच्छा कार्य किया इसके लिए उनको भी बधाई, धन्यवाद। तो अभी उन्होंने बताया, कुछ यहाँ पर युवा भी खड़े हुए हैं, युवाओं से बात करेंगे, क्या कहोगे आज यहाँ पर मिनी स्टेडियम की जो आधारशिला रखी गई है, क्या ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो माननीय विधायक जी ने अपने उससे नेतृत्व से कराया है, जिससे हमारे क्षेत्र के कई युवा जो रह जाते हैं एथलीट गेमों में, क्रिकेट, बहुत सारी चीज़ों में नहीं जा पाते, वो निश्चित ही आगे चल के हमारे देश और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। जब सांसद 11 के कैप्टन ये एसपी सिंह जी होते थे और शहीद विस्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट की कमेटी का मैं अध्यक्ष होता था, केपी सिंह, और हम दोनों में जब मैच होता था तो पहली बॉल मुझे दी जाती थी, मैं सांसद जी को पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड कर देता था, एम्पायर ने नो बॉल दे दी, दूसरी बॉल फिर दी तो दूसरी बॉल पे फिर क्लीन बोल्ड। जो शुभारम्भ हुआ है मिनी स्टेडियम का, इसके जो सूरधार हैं, इसके प्रोदा हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल जी और इस स्कूल के जो हेड मास्टर साहब हैं बंटी सर, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और शासन प्रशासन का आभार प्रकट करता हूँ। और ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, 5 साल के देखना कार्यकाल के विधायक जी का, विकास की गंगा बहेगी। हम मनोज शर्मा है, आज बहुत खुशी की बात है कि गांव के बच्चे मेरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए ओलंपिक ही और स्वर्ण पदक जीतने की ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और ये खुशी की बात ये और है कि मैं आज ये एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय एमएल जी से, कि हमारे क्षेत्र में पूरे एतमादपुर विधानसभा में बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है। जो सारी जो घोषणाएं आई हैं इनके साथ साथ मेरे एतमादपुर विधानसभा